श्री राम। तो जैसे आपको पता है कि हम इस चैनल के ऊपर लगातार आप बहुत अच्छी नॉलेज ले रहे हो, हम आपको बहुत सारी चीज़ें सीख के आपको बता रहे हैं, तो वही चीज़ हम रेगुलर करते चलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो श्री राम जी का एक बाल लीला है, ठीक है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो एक समय की बात है कि जब विश्वामित्र मुनि जी दशरथ जी के राज्य के अंदर आए और दशरथ जी ने जब उनको देखा, उनकी सेवा की, उनका स्वागत किया, और बाद में उनके मन में एक ख्याल आया कि वैसे तो ये तपस्या से उठते नहीं हैं, तो अगर ये तपस्या से उठे हैं या यज्ञ को उन्होंने बंद करके यहाँ पे आए हैं, तो इनको कोई ना कोई खास कारण होगा, तो मुझे वो कारण जानना चाहिए। तो उन्होंने विश्वामित्र मुनि जी को से पूछा कि आपका यहाँ आने का क्या कारण है। तो उन्होंने बताया कि मेरा यहाँ आने का कारण बड़ा ही जरूरी है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपको पता ही है कि मैं दुनिया के भले के लिए यज्ञ वगैरह करता रहता हूँ, तो उन्हीं के अंदर एक दिक्कत आ रही है। दिक्कत ये आ रही है कि जैसे जब मैं यज्ञ करता हूँ तो रावण के दो राक्षस हैं, मारीच और सुबाहु, और जब मैं यज्ञ करता हूँ तो उसके अंदर विघ्न डालते हैं, उसके अंदर मांस वगैरह ऐसी चीज़ें डाल देते हैं कि मेरा यज्ञ पूरा नहीं हो पाता, उसके अंदर वो दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं। तो जब दशरथ जी ने सुना तो उन्होंने बोला कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो उन्होंने बताया कि देखो, इनको भगाने के लिए ना तो कोई देवता कुछ कर पा रहा है, ठीक है, और मैंने अपने मतलब जो भी मैं प्रयास कर सकता मैंने सारा कुछ करके देख लिया, नहीं पर मैं कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। तो दशरथ जी ने कहा कि मैं बताओ आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, क्या मैं आपके साथ चलूँ। तो उन्होंने बोला कि मुझे तुम ही चाहिए, ठीक है, तुम्हारे राज्य से ही, ठीक है, तुम्हारे राज परिवार से ही कोई चाहिए और तुम नहीं चाहिए। तो इन्होंने बोला कि मैं चलता हूँ, मैं शायद आपकी कोई मदद करूँ, मेरे पास बहुत सारी सेना भी है, शायद वो आपकी मदद कर दे। तो मित्र मुनि जी ने मना कर दिया कि आप नहीं चाहिए। तो उन्होंने पूछा, दशरथ जी ने पूछा कि कौन चाहिए, और तो दशरथ जी के मन में चल भी रहा है कहीं ये श्री राम को ले जाने के लिए ना बोल दें, ठीक है। तो उससे वही बात हुई, उन्होंने बोला कि मुझे आप नहीं, मुझे आपके पुत्र राम चाहिए, वो इस काम को पूरा कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि वो अभी बच्चे हैं, वो अभी 12-12 साल के बच्चे हैं, वो आपकी क्या मदद कर पाएंगे, आप मुझे ले चलो, ठीक है, मेरी सेना को ले चलो, हम आपकी मदद करते हैं, वो नहीं मदद कर पाएंगे क्योंकि वो अभी बच्चे हैं। तो इन्होंने बोला नहीं, वो आपको बच्चे लगते हैं बट वो बच्चे नहीं हैं, हमें तो वही चाहिए। तो काफ़ी देर इस चीज़ के ऊपर बहस चली कि नहीं, क्योंकि जो दशरथ जी हैं उनके अंदर प्रेम का भाव है, वो अपने प्रेम के कारण उनको जाने देना नहीं चाहते, और इधर उनके अंदर उनको ज्ञान भी है और उनके अंदर भक्ति भी है श्री राम को लेके, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं तो श्री राम को ही लेके जाऊंगा, मुझे ना आपकी सेना चाहिए और ना आप चाहिए। ये सब सुलझाने के लिए वहाँ पे वशिष्ठ मुनि आए। वशिष्ठ मुनि जी ने बोला कि मुनि जी, विश्वामित्र मुनि जी, आप दशरथ जी को कोई मतलब विश्वास दिलाइए कि आप राम जी की रक्षा करेंगे, उन्हें कुछ होने नहीं देंगे, तो शायद आपके साथ ही उनको भेज दें। तो इन्होंने बोला कि हाँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनको कुछ नहीं होने दूँगा, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। और उन्होंने कुछ अपनी शक्तियाँ दिखाई, जब उन्होंने वो शक्तियाँ दिखाई तो दशरथ जी को विश्वास हुआ कि हाँ, शायद ये मेरे बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे, यानी कि बच्चे भी श्री राम जी उनके तो बच्चे ही हैं, तो वो उनको कुछ नहीं होने देंगे, उनको विश्वास हुआ। तो फिर उन्होंने थोड़े ऐसे ही मन से, मतलब कच्चे मन से ही बोल दिया कि चलो आप श्री राम को ले जाओ। तो वहाँ पे लक्ष्मण जी भी खड़े थे, लक्ष्मण जी ने बोला कि मैं भी इनके साथ जाऊँगा। तो फिर वह दोनों को विश्वामित्र जी अपने साथ ले गए, और उन्होंने रास्ते में उनको काफ़ी सारी कहानियाँ सुनाई, काफ़ी सारी बातें सिखाई रास्ते में जाते जाते। सारी कहानियाँ, सारी बातें श्री राम से ही आई हैं, पर लीला के अंदर वो विश्वामित्र जी से सुन रहे हैं, और विश्वामित्र जी फिर उन्हें वो शक्तियाँ भी देते हैं जो भगवान की हैं, भगवान ने ही उन्हें दी हैं, और वो भगवान को वापस करते हैं, मतलब कुछ लीला के अंदर ऐसे, है ना। तो श्री राम जी को वो बोलते हैं कि आप स्नान करके आओ, वहाँ पे नदी आई रास्ते में एक, तो मैं आपको दो शक्तियाँ दूंगा, बला और अति बला, ये शक्तियों के बाद आप युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार होंगे और आप राक्षसों का खात्मा कर सकते हो। और देखो, एक सिंपल सी बात है, अगर शक्तियों से ही खात्मा होता तो फिर खुद ही कर लेते ऋषि, है ना, उन्हें खुद ही कर लेते, बट लेकिन नहीं, ये श्री राम की लीला है, तो उन्होंने अब वो शक्तियाँ ली और उसके बाद युद्ध किया और उन राक्षसों को हरा डाला, यानी कि जो काम देवी देवता नहीं कर पाए वो श्री राम जी ने करके दिखाया। तो इसी तरह हम यहाँ पे बहुत सारी और नॉलेजें शेयर करने वाले हैं जल्दी श्री राम जी के बारे में, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।